तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। और दूसरी जो बात करेंगे, जो वीडियो का मेन टॉपिक है, वो है कि वज़ीर एक्स एक्सचेंज पर आपके फ़ंड सेफ हैं कि नहीं हैं, और क्या था वज़ीर एक्स एक्सचेंज को जो ईडी का नोटिस मिला है उसके पीछे पूरा मामला क्या है। समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और सारे दिमाग के जितने भी आपकी गलतफहमियां हैं या जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पहली खबर के ऊपर चलते हैं। इस तरीके की खबर मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी को एज एसेट्स के तौर पर यहाँ पर रेगुलेट किया जा सकता है इंडिया में। अगर ऐसा होता है दोस्तों, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसके तहत यहाँ पर ये इसके अंडर में होकर चलेगा। ये पूरी मैं खबर आपको दे चुका हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इस पर जो पिछला जो सेशन था, विंटर सेशन, जहाँ पर इसकी ये बिल आया था, क्रिप्टो बिल वहाँ पर आया था, 20 नंबर था उसका, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। बाकी बिल्स पर चर्चा हुई थी लेकिन उस पर नहीं हुई थी। तो ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस मानसून सेशन में उस पर चर्चा की जा सकती है और इसको इसी मानसून सत्र में यहाँ पर रेगुलेट भी किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं दूसरी खबर पर। दोस्तों, उस दूसरी खबर पर चलने से पहले यहाँ पर मैं जो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, काफ़ी आप लोगों ने उसको पसंद किया, कुछ लोगों को वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो यहाँ पर मैं फिर उनकी जो उनको कन्फ्यूजन है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी एक वीडियो उसका बना दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जब मैंने 2 चार्ट यहाँ पर लिए हुए थे, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट था ऑल्ट कॉइन्स की, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का चार्ट था, और ये जो था ये BTC का प्राइस का चार्ट नहीं था, BTC का डोमिनेंस का चार्ट था। ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि BTC डोमिनेंस मतलब BTC प्राइस, तो ऐसा नहीं है, ये BTC डोमिनेंस का चार्ट था। BTC डोमिनेंस वही होती है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जितनी हिस्सेदारी बिटकॉइन की मार्केट कैप की होती है उसको बोलते हैं BTC डोमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अभी ऐसा हो रहा था कि BTC का प्राइस ऊपर जा रहा था और डोमिनेंस नीचे गिर रही थी, ठीक है, तो वो भी देख लेना। तो समझा करो कि क्या मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोग प्राइस उसको समझ रहे हो BTC का, वो तो BTC का प्राइस नहीं है, वो है BTC की डोमिनेंस। तो यहाँ पर दोस्तों हम वही खबर पर निकल कर आ गए हैं जो कि वज़ीर एक्स को नोटिस आई थी ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। तो उन पर ये बोला गया था कि इंडिया प्रॉप्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज़ीर एक्स इन चाइनीज़ मनी लॉन्ड्रिंग केस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडियाज़ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी हैज़ रिपोर्टली सेंट ए नोटिस टू वज़ीर एक्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, यानी कि इंडिया का एक बड़ा एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, जिस पर एक नोटिस भेजा गया है ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहाँ पर ये बोला गया उनको फेमा एक्ट के तहत यहाँ पर इनको वो नोटिस भेजा गया है और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इन्होंने कुछ, इनके प्लेटफॉर्म से कुछ चाइना के नागरिकों ने इलीगल तौर पर जो फ्रॉड वगैरह किए थे और उसको, उस फंड को INR से USDT में कन्वर्ट करके बाइनेंस एक्सचेंज पर भेजा था, ये इनके पर आरोप हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग ये जो पूरा मामला चल रहा है 2790 करोड़, यानी कि लगभग डॉलर में अगर इसकी बात करेंगे तो 381.93 मिलियन US डॉलर का ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं कि 57 करोड़ को कन्वर्ट किया गया INR से USDT में और उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया बाइनेंस के ऊपर, ये तो मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ। और उसके बाद वहाँ पर, यहाँ पर इस कॉलम में आप देखोगे तो द अथॉरिटी क्लेम्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड इन्वेस्टिगेशंस वज़ीर एक्स यूजर्स रिसीव्ड क्रिप्टो करेंसी वर्थ 880 करोड़ फ्रॉम द बाइनेंस अकाउंट एंड ट्रांसफर क्वाइंस वर्थ INR 1400 करोड़ टू बाइनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इन्होंने ये बोल रहे हैं कि INR का डिपॉजिट हुआ है, INR को भेजा गया है, मतलब यहाँ से बाइनेंस अकाउंट से 880 करोड़ का, और उस वहाँ से वज़ीर एक्स से जो ट्रांसफ़र हुए हैं क्वाइन वो लगभग 1400 करोड़ की वैल्यू के INR में उसकी वैल्यू के बाइनेंस एक्सचेंज पर भेजे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो द ईडी नोटिस यहाँ पर इस तरीके की चीज़ है। और यहाँ पर ये ईडी एक चीज़ और बोल रहा है कि इस तरीके के कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर ब्लॉकचेन पर नहीं है, बिना ऑडिट किए और बिना इन्वेस्टिगेशन किए इस तरीके के ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नीचे हम आते हैं तो देख सकते हैं कि द ईडी
एलिजिस द वजीर डज नॉट कलेक्ट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ईडी ये बोल रहा है, ईडी ने ये आरोप लगाया है वजीर एक्सचेंज पर कि इन्होंने किसी भी चीज़ का पालन नहीं किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी पालन नहीं किया है, और साथ में जो एक CFT करके जो हो एक एक्ट होता है जो आतंकवाद निरोधक ऐसे ही कुछ करके होता है, तो उसका भी इन्होंने पालन यहाँ पर नहीं किया है ठीक से, और ये फेमा के तहत इनको यहाँ पर ये चीज़ें इनके पर ये आरोप साबित किए जा मतलब इनके पर ये आरोप लगाए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अगर हम वजीरक्स का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निश्चल शेट्टी जी ने ट्वीट किया था, जो CEO हैं वजीरक्स एक्सचेंज के, और वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया था कि जैसे कि मैं अपने सारे कस्टमर्स की KYC वगैरह पूरी तरीके से वेरिफिकेशन के बाद ही उनके अकाउंट को ओपन करता हूँ, AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी मैं पूरा ख्याल रखता हूँ अपने एक्सचेंज पर, हमने जो भी किया है वो कानून के दायरे में किया है, और अगर हमें इस जांच पर जो भी जांच चल रही है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की, तो इस पर कोई भी हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे, ऐसा बोला है मिस्टर निश्चल शेट्टी ने अपने वजीरक्स अकाउंट से। और साथ साथ निश्चल जी ने अपने अकाउंट से ये भी बोला है कि यहाँ पर कि योर फंड्स आर एब्सोल्युटली सेफ ऑन वजीरक्स, यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने जो यूज़र्स हैं उनके कि आपके सारे फंड पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जवाब देंगे क्योंकि नोटिस उनको मिला है। और दोस्तों ये दो नोटिस सिंपल सा नोटिस है जिसको हिंदी में अगर बोलते होंगे आप उसको समझते भी होंगे, जिसको बोलते हैं कारण बताओ, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। अब ये पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका मेन सूत्रधार कौन है, यहाँ पर आप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर आ गए अपने चैनल के ऊपर, यानी कि ट्रेड फॉर प्रॉफिट यूट्यूब चैनल जो क्रिप्टोकरेंसी की लगातार अपडेट आपको देता है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने एक वीडियो को पोस्ट किया था जो कि हमारे कंटेंट से हटकर था, पावर बैंक ऐप रिव्यू यहाँ पर मैंने किया था, तो यहाँ पर आपने देखा होगा इसका शीर्षक तक फेक है कि रियल है। तो अगर हम इस वीडियो को प्ले करते हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो का पार्ट आपको सुनाना यहाँ पर चाहूँगा। तो हालांकि मैंने इसको काफ़ी पहले करीब 1 से 1.5 महीने पहले इसको पोस्ट किया था, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। किसी भी ऑनर को जानते हो आप, कोई कॉन्टैक्ट है इनका, कहीं पर कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए, कहीं पर इन्होंने सोशल मीडिया का लिंक शेयर किए आपसे, नहीं किए, यहाँ पर कहीं पर आपसे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए, नहीं किए, कहीं पे इन्होंने अपने ऑनर का नाम बताया, नहीं बताया, लेकिन फिर भी यार आप लोगों दिमागों में क्या क्या भरा है, क्या आपको भगवान ने अक्ल दी है, उस अक्ल से सोचो कि यहाँ पर जब इन्होंने अपनी कोई ऐसा आपके काम आ ही नहीं सकता, अगर आप ये सोच रखते हो कि 3-4 महीने चलेगी और हम जब तक कमा लेंगे और बाकी उसके बाद जो जिसका नुकसान होता है होता रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं, तो ये गलत है। अर्निंग करनी है मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर आओ, 1000 का लगाया था, चलो 50,000 का लगाया था, चले गए भाई, ठीक है। तो अपनी किस्मत को रोने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन से बिल्कुल दूर रहो और साथ में अवेयरनेस भी फैलाओ लोगों तक कि इससे दूर रहें, और अगर किसी ने अपना पेमेंट यहाँ पर लगा भी दिया है तो वो जल्द से जल्द अपना पैसा यहाँ से निकाल कर और कान पकड़ के तौबा कर ले दोनों हाथ से और दोबारा से। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने 7 मई को उस एप्लीकेशन को रिव्यू किया था, उस एप्लीकेशन के बारे में बताया था, आपको अवेयर किया था कि कोई भी लोग उसमें ना फंसें, क्यों, हालांकि ये मेरा कंटेंट नहीं था, लेकिन दोस्तों किसी का पैसा अगर जाता है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था अपने रिलेटिव्स में, अपने सब्सक्राइबर्स में इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लोग उस पर बात कर रहे थे और अपने पैसे को वहाँ पर लगा रहे थे और एक लालच के तौर पर, तो वहाँ पर मुझे लगा कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं जाएगा लेकिन कम से कम कुछ लोग उससे बच जाएंगे, तो बस यही सोच रखकर उस वीडियो को यहाँ पर पोस्ट किया। तो उसका रिजल्ट आप देख लो, मैंने वहाँ पर क्लियर कट मना किया था कि किसी को भी उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो कंपनी कभी भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भाग सकती है यहाँ से। तो आप देखो कि मामला बेसिकली वही निकला, यहाँ पर जो वजीरक्स पर जो कार्रवाई हुई है तो उसके पीछे जो खलनायक है वो पावर बैंक ऐप ही है, उसके अलावा भी 1-2 ऐप हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक न्यूज़ आई थी निकलकर कि दिल्ली पुलिस ने लगभग 9 जून की न्यूज़ थी, तो वहाँ पर 5-11 लोगों को अरेस्ट किया है जिन पर 150 करोड़ का लगभग फेक ऐप बनाकर लोगों को ठगने का आरोप था, ठीक है। तो उसमें कुछ चाइनीज़ लोग थे, हालांकि यहाँ पर बेंगलोर का सर्वर दिखाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वो बेसिकली वहाँ पर जो सर्वर था वो था
चाइना का। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि सारे लोग बैठे हैं लाइन से, देख सकते हैं आप कि पैसा, देखो जो गलत पैसा होता है, गलत तरीके से पैदा किया जाता है, कमाया जाता है, तो उसका बेसिकली बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि अंजाम करीब करीब ऐसा ही होता है। यहाँ पर इनकी इज्जत भी जाएगी, पैसा भी गया, सब कुछ गया, तो यहाँ पर बचा किया। तो दोस्तों मेहनत से कमाना सीखो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मोटा मोटा तो देख सकते हैं कि कुछ अर्निंग ऐप थी यहाँ पर। एक मिनट, मैं सबके नाम यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें पावर बैंक का नाम था, ये देखो, ये जो कुछ एप्लीकेशन थी जैसे कि लाइक पावर बैंक, सन फैक्ट्री, ईजेड प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर साइबर सेल ऑफ द पुलिस डेली ऑफ द डेली पुलिस ऑन वेडनेसडे अरेस्टेड 11 मैन फॉर एजडली चीटिंग मोर देन 5 लाख पीपल टू ट्यून ऑफ ₹150 crore इन द लास्ट 2 मंथ्स दे यूज्ड ऐप लाइक पावर बैंक, सन फैक्ट्री एंड ईजेड प्लान। तो ये पावर बैंक का वीडियो डालने के बाद भी मेरे पास कुछ क्वायरी आई थी, ये दोनों एप्लीकेशन की आई थी कि सर सन फैक्ट्री और ईजेड प्लान को भी आप इसी तरीके से बेनकाब करो, ये भी लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैं उन पर वीडियो नहीं बना पाया, फिलहाल ये पकड़ गए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इन्होंने लोगों को ठगने का वायदा किया था। इनका जो कॉन्सेप्ट था ना वो सिंपल था, उस वीडियो को देखना, ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं आई बटन के ऊपर क्लिक करके लिंक उसका ले लेना, उस वीडियो का, पावर बैंक वाली ऐप का, उसको पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। देखो लालच में मत फंसा करो, पूरी ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि लालच दिखाओ इंडिया के बंदों को, वहाँ वाले वहाँ के बंदे लालच में आ जाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल। बस उनको बताओ 100 दे दो और इतने दिन बाद 200 दे दूंगा वापस, तो वो दे देंगे आपको। तो ये मेंटेलिटी दोस्तों, ये ऐसा ना करो, यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा ना करो, आप लोग पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कि बाहर के लोग इस तरीके की चीज़ें आपके साथ करें। तो यहाँ पर इन लोगों ने देखो कितना बड़ा एक फ्रॉड किया। अब यहाँ पर फ्रॉड करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही पैसे को वहाँ पर वजीरेक्स एक्सचेंज पर USDT के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वजीरेक्स से बाइनेंस को ट्रांसफ़र आप जानते हो कि आसानी से हो जाता है, कनेक्ट हैं दोनों, लिंक हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपने फंड को बाइनेंस पर भेज दिया। बाइनेंस की अगर बात करोगे दोस्तों, बेसिकली वो पहले चाइना बेस्ड एक्सचेंज ही था, अभी वो केमैन आइसलैंड पर उसका सर्वर बताया जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे यही कि हम यही करेंगे दुआ कि निश्चल शेट्टी जी इसका पूरा ब्यौरा दें, जवाब दें ईडी को, ताकि ये जो एक दाग लग रहा है क्रिप्टोकरेंसी पर ये धुल जाए। क्योंकि किया दोस्तों यहाँ पर किसी और ने है, ये इनका कंसेप्ट ही अलग था। हाँ, इन्होंने क्रिप्टोकरेंसी का फ़ायदा उठाया है, ये चीज़ से क्रिप्टोकरेंसी बदनाम हो सकती है अगर यहाँ पर मिस्टर निश्चल शेट्टी जी इसका जवाब नहीं दे पाए, या जो उनके को फाउंडर हैं वजीरेक्स के, हनुमान महत्रे, ठीक है। तो ये दो लोगों को जवाब देना है, इन्हीं के ऊपर आरोप लगे हैं दोनों के ऊपर। और अगर बेसिकली हम बात करेंगे तो ऑनरशिप जो है वजीरेक्स एक्सचेंज की, वो बाइनेंस एक्सचेंज के पास है। ये दोनों बंदे डायरेक्टर्स हैं, यानी CEO हैं मिस्टर निश्चल जी, और हनुमान महापात्रे या ऐसे कुछ करके नाम है उनका, तो महात्रे नाम है, सॉरी हनुमान महात्रे नाम है, तो वो को फाउंडर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बस आप लोगों के सामने यही था। अभी देखो यहाँ पर आपके सामने जैसे कि मिस्टर शेट्टी जी जो बोल रहे हैं कि आपके सारे फंड सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में पैनिक हुआ, और मैंने देखा था जिस दिन ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी उसके बाद काफ़ी लोगों ने वहाँ से अपने फंड को बाइनेंस पर ही ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये मामला ही यही है। देखो यहाँ पर इन्होंने पीछे क्या बोला था कि 880 crore INR की वैल्यू का वहाँ से उसको भेजा गया है बाइनेंस से, और वजीरेक्स से बाइनेंस को 1400 crore INR की वैल्यू का क्वाइंस यानी क्रिप्टो क्वाइन वहाँ पर भेजे गए बाइनेंस को, तो इसका ही इनको रिकॉर्ड चाहिए। और प्लस जो ये जो जो यहाँ पर ये जो फ्रॉड हुआ जिसमें 11 लोग अरेस्टेड हुए, उनके जो ट्रांजेक्शन है उसका ब्यौरा उनको चाहिए। तो यहाँ पर उनको ब्यौरा चाहिए, एक कारण बताओ नोटिस होता है कि ये चीज़ हमारे सामने आई है, इसका आप कारण बताइए। तो बस उनको ये एक नॉर्मल सा नोटिस होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखो अपने अगर फंड को आप नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट पर भी कर सकते हो, होबी एक्सचेंज पर भी कर सकते हो। बाइनेंस पे करने में मुझे दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि बाइनेंस और वजीरेक्स लिंक है एक दूसरे से। हालांकि देखो होना कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, और यहाँ पर ये जल्द से जल्द उसका जवाब भी दे लेंगे। और ये सब चीज़ें होती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, देखो वजीरेक्स एक्सचेंज एक काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, बड़ा नाम है,
तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। पहले मैंने आपको गुड न्यूज़ दिखाई थी, देखो गवर्नमेंट इसको खुद ही रेगुलेट कर रही है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ों पर वहाँ पर अगर ये अपना जो भी स्पष्ट करते हैं कोई चीज़ को वजीरेक्स, तो वहाँ पर उस पर अगर वो माकूल जवाब होते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो चीज़ सामने आएगी। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से इस पर नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो चलो दोस्तों, मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ किसी यूनिक कंटेंट के साथ। फिर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।